आमना, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ईमेल किए हैं, मुझे मॉर्निंग में उनका प्रिंट आउट चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके? और आप भी ऑफ करें और स्टाफ को भी कहें कि ऑफ कर लें। थैंक यू। अमान, ओ अपनी चाबियां भूल गया, इसकी आदत नहीं जाएगी। अमान, 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 कुछ भूल रहे हो तुम? नहीं, नहीं तो सॉरी। चाबियां भूलने की आदत गई नहीं तुम्हारी, वैसे के वैसे ही हो तुम। याद है यूनिवर्सिटी टाइम पे भी तुम भूल जाते थे चाबियां और मैं ही संभालती थी। थैंक्स। और अगर घर जाके याद आता तो क्या करते? सारे ताले तोड़ते या फिर सीढ़ियों पे सो जाता? गुरुज? हाँ? गुरुज, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कुछ नहीं, बाय। बाय। तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्मा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। सलमान, तुमने ओवरहेड्स की फाइल मंगवाई थी, अमाद बता रहा था मुझे। हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या क्या बंद किए। अच्छा, तो कुछ मिला क्या जिससे हमारे ऑफिस ने कुछ गलत किया? अरूज, दरअसल बात यह है कि ताजान तुम्हारी शिकायत लेकर आए। मेरी शिकायत? मैंने क्या किया है? तुमने ऑफिस का लंच खत्म करवा दिया। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि इस कंपनी के मालिक का भी, यानी कि तुम्हारा भी। देखो, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तो फिर तो ताजान को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं अपने सारे एक्सपेंस खुद अफोर्ड कर रही हूँ, तो पर सबको करने चाहिए। और जो ताजान ऑफेंड हो रहे हैं, उसका क्या करूं मैं? हाँ तो ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं ना, हम एक पॉलिसी बनाते हैं कि लंच किसी के लिए भी नहीं होगा। जिसको लंच करना है वो खुद अपनी पॉकेट मनी से करे। सिंपल। क्या सोच रहे हो? आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। वैसे
अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक प्लान है मेरे पास, सुनोगे? हाँ सुनाओ। देखो, हमारी कंपनी ने 6 लाख रुपए का खर्चा कंट्रोल किया है। अगर हम सारे एम्प्लॉयज की 10,000 रुपीज सैलरी बढ़ाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि लंच वो खुद अरेंज करेंगे, तो इससे स्टाफ भी खुश हो जाएगा कि हमारी सैलरी बढ़ गई और कंपनी को 3 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे। क्या कहते हो? ब्रिलियंट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारा स्टाफ भी खुश हो जाएगा और ताया जान भी। आई होप सो। छोटे साहब, आपको बड़ी बीबी साहिबा बुला रही हैं। चलिए ठीक है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। जी। गुड आइडिया, मैं फोकस करूंगा इस पे। थैंक यू। जी मॉम, बुलाया आपने? अब तुम खुद से तो आते नहीं हो, बुलवाना पड़ता है। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, दरअसल ऑफिस से आके थक गया था। आप बताएं क्या बात है? ये बताओ सलमान, ये जो अरूज ने अपनी कंपनी में लड़का रखा है, इसे जानते हो तुम? जी। कैसे लगा तुम्हें? अच्छा लड़का है, बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है। अपनी काबिलियत और मेहनत के पैसे लेता है। क्या बात है मॉम? ये बताओ, वो लड़का हमार कंपनी के लिए अहम है या फिर अरूज के लिए अहम? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अमाद और अरूज बहुत बेतकल्लुफ हैं आपस में। मॉम, बहुत पुराने दोस्त हैं वो, यूनिवर्सिटी फेलोज थे। हाँ, तो पुरानी दोस्तियों को निभाते हुए क्या नए रिश्तों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? मेरे कम कहे को ज्यादा समझना सलमान।